अल्लाह का शुक्र है भाई आ गई है। तकरीबन 10 मिनट वेट करना पड़ा मैक्सिमम। तो ये आ गए हमारे चिकन नगेट्स, अब इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं आसिम व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ज़िंदगी भी जो है वो मस्त गुजर रही होगी। तो इस वक्त मैं हूँ मक्का में, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो ये जो व्लॉग है ये फूड व्लॉग होने जा रहा है। यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि कौन कौन से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं और उन पे किस तरह का खाना मिलता है, क्या टेस्ट है। तो ये एक दिन का व्लॉग नहीं होगा, ये मैं डिफरेंट डेज के ऊपर इसको डिफरेंट जगहों पर शूट करूँगा और फिर इसको कंपाइल करके एक व्लॉग बना लूँगा। शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मक्का में पहला दिन था, बखैर वाफियत गुजर गया। सुबह ही आज हमने मॉर्निंग में हमने अल्हम्दुलिल्लाह उमरा किया था। सुबह फिर मैंने जमजम होटल है हमारे होटल के पास, तो वहाँ से नाश्ता किया था। अभी ईशा की नमाज़ पढ़ कर वापस आए हैं रूम में। तो अभी जो है मैं दोबारा जा रहा हूँ जमजम होटल पर, तो उधर से देखते हैं उनके पास इस वक्त क्या क्या है। उनका मेन्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और खाना जो है सुबह नाश्ता तो उनका अच्छा तो ये, यहाँ पे इस तरह लोग बाहर भी खाना खाते हैं, यहाँ पे इनको बाहर सर्व करते हैं। ये जो है इनकी मेन्यू लिस्ट है, आप यहाँ पे पॉज करके इसको देख सकते हैं। माशाल्लाह बिरयानी लग रही है, कड़ी पकौड़ा है, आलू है, हश है और भी माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो है इनका। मैं खाते रोस्ट वगैरह बारबेक्यू वगैरह लग रहा है और फैमिली हॉल भी है इनका ऊपर। अभी मेन्यू देखे मैं ऑर्डर करता हूँ। ये यहाँ से टोकन लेते हैं, तो ये मैंने कड़ी पकौड़ा का टोकन एक लिया, इसके साथ तीन रोटियाँ, तो ये दो बंदों के लिए ना फिर 10 रियाल में ठीक है। अब इनको देते हैं मिलेगी, यहाँ पे वही टोकन दिखा रहा है। तो ये खुरमा गर्म रोटियाँ लेनी है, अभी रूम में चलते हैं। तो ये जी सफरा बिछा लिया और ये आ गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार कड़ी, देखने में तो अच्छी लग रही है। और ये ताज़ा ताज़ा रोटियाँ, वैसे टेस्ट मज़े का, लेकिन जिस तरह हम पाकिस्तान में खाते हैं वो थोड़ी सी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। आई थिंक शायद बेसन की बनाई हुई है, जो दही की है वो वाली नहीं है। टेस्ट अच्छा है, गुड है। तो अभी जो है दोपहर का वक्त होने वाला है, तो मैं इस वक्त लंच के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ। आज सुबह नाश्ते में हमने सिर्फ खजूरें वगैरह और थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ही लिया था। ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि जितना भी स्टे है मेरा मक्का में ठीक है, उसके दौरान जहाँ जहाँ पे जिन जिन जगहों से मैं खाना खाऊंगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और रिव्यूज़ भी देता जाऊँगा। ये मैं इब्राहिम खलील रोड के ऊपर आ गया, और सामने मुझे एक लग रहा है पाकिस्तानी पंजाब होटल। कल अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में बड़ी बारिश हुई थी ईशा के बाद, बड़ा ज़बरदस्त मौसम था वहाँ पर। ये सामने आ गया है पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब होटल। तो यहाँ भी देखते हैं कि बस क्या क्या अवेलेबल है इस वक्त। तो ये इनकी मेन्यू लिस्ट लगी हुई है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इस वक्त मटन कोरमा इनका देख रहा हूँ, 20 रियाल का है, इसके साथ तीन रोटियां होंगी। अच्छा सही है, अभी आप सालन लेते हैं, तीन रोटियां देते हैं, तो मैं खा दो तीन बंदे ना आराम से खा सकते हैं। यहाँ पे आप खाना चेक करके भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाह, तो इस तरह से खाना टेस्ट करके ना आप ले सकते हैं। तो मैंने मटन कोरमा किया था, अच्छा है माशाल्लाह। तो अभी पैक करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले लिया मटन कोरमा और साथ इसके तीन रोटी। तो ये आ गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मटन कोरमा, ये इन्होंने दिया है 20 रियाल का, इसके साथ तीन रोटियाँ। ये ले लिया हमने पहला निवाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं कैसा गला गला हुआ, तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त गला हुआ यार, गुड। टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह। तो जोहर की नमाज़ पढ़ के हम दूसरा बाहर निकले थे और पहले गए हैं इब्राहिम खलील रोड के ऊपर जो अलबेक है, लेकिन वहाँ पे फ़िश नगेट्स नहीं थे, तो फ़िश नगेट्स ट्राई करने थे। अभी मैं आया हूँ जबले उमर में, जबले उमर में जो अलबेक है यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ है, असर का टाइम होने वाला है। तो अल्लाह का शुक्र है बारी आ रही है, बस थोड़ा से लोग आ गए, इनका ट्राई करते हैं फ़िश फिले नगेट्स। अरमीन जो है वो काफ़ी ज़िद कर रही थी कि अभी खाना है, अभी देखते हैं। अल्लाह का शुक्र है बारी आ गई है, तकरीबन 10 मिनट वेट करना पड़ा मैक्सिमम। अनफॉर्चुनेटली फिश नगेट्स जो है ना वो इनके पास नहीं है, तो अभी चिकन नगेट्स जो है वो थे, तो उसकी डील की है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर जो है वो मिल गया है, अब देखते हैं भाई कैसा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और हरमीन, हाँ नहीं आप जिद जा रही थी फिश वाले का, फिश तो नहीं मिला, चिकन नगेट्स मिला। तो ये आ गए हमारे चिकन नगेट्स, चिकन नगेट फर्स्ट ट्राई, नगेट सॉस। Yes,
मजा आ रहा है यार, जबरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट। और मैंने स्पाइसी नहीं किया, नॉर्मल वाला किया, स्पाइसी वाली डेली मैंने की, बड़ा मजे का यार, बहुत मजा। इस वक्त डिनर का टाइम हुआ हुआ है, मैं हूँ इस वक्त इब्राहिम खलील रोड पे, और आज जो है मेरा कुछ राइस खाने का दिल कर रहा है, बिरयानी या पुलाव वगैरह, अभी देखते हैं कहाँ से मिलता है और कैसा है टेस्ट उसका। खलील रोड के ऊपर ही मुझे एक पाकिस्तानी होटल के बोर्ड मुझे नज़र आया था, तो मैंने सोचा यहाँ पे जाके देखते हैं, ये थोड़ा सा गली के अंदर है, यहाँ पे देखते हैं हमें पुलाव या बिरयानी वगैरह मिलती है या नहीं। सही है, ये यहाँ पे इसकी एंट्रेंस है और ये है इसका मेन्यू, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये यहाँ पे टीशर्ट सालन है, कड़ी पकौड़ा है, पालक गोश्त है, दाल बाश है, ये आई थिंक आलू मटर है, ये सामने चिकन बिरयानी है, और ये पेमेंट का पर्ता है, और चना दाल, और इसी तरह यहाँ पे ये फिश करी है, ये यहाँ पे टोकन मिल गया, चिकन बिरयानी की है मैंने 17 रियाल की। आगे अभी यहाँ से इनसे लेते हैं, ये वेजिटेबल फ्राइड राइस है, ये 10 रियाल की प्लेट है, और इसकी भी सर्विंग जो है ना 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। ये जी बिरयानी आ गई है, बहुत बारिश हो रही थी रास्ते में, देखते हैं भाई कैसी है बंगालियों की बिरयानी, खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है भाई। सही, ज़बरदस्त हो गया भाई, बड़े मज़े की है। आज है मक्का में हमारा 4th दिन, और अभी हम जो है गारे हिरा पे गए थे और गारे हिरा से वापस उतर गए हैं नीचे, तो अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, उसके जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें आपके लिए काफ़ी गाइडेंस भी है। तो अभी जो है हमने नाश्ता नहीं किया था, नाश्ता करके या खाना वगैरह खा के आप कभी भी ना जाएं, रास्ते में 2-3 जगह पे ना लोग बेहोश हुए पड़े थे, वॉमिटिंग कर रहे थे काफ़ी, खाली पेट जाएँ, और बेहतरीन तो ये है कि आप लोग तहज्जुद के टाइम में जाएँ। बाकी डिटेल्स मैंने यहाँ पर व्लॉग पर दे दी हैं। अभी हम जा रहे हैं मंदी खाने, तो हम देख रहे हैं सबसे अच्छी मंदी यहाँ पर कहाँ मिलती है, ठीक है, और उसको मंदी को ट्राई करेंगे। एक दफ़ा मेरा था इरादा, क्योंकि मुझे आई एम अ मीट लवर और मुझे वैसे भी मंदी पसंद है, तो पाकिस्तान में तो खाई हुई है, तो यहाँ की ट्राई करनी है यहाँ की कैसी होती है। तो अभी देखते हैं, अभी टैक्सी देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये सामने गारे हिरा को रोड जा रही है इसका इस साइड पे, और वो सामने गारे हिरा है, तो अभी मैं देख रहा हूँ कोई टैक्सी मिल जाए तो फिर हम यहाँ पर आस पास कहीं मंदी का जो अच्छा रेस्टोरेंट है वहाँ पर जाते हैं, लेट्स गो। तो ये अभी हम गारे हिरा से वापस आ गए थे जबले उमर में, यहाँ पर अब रोमांसिया की मंदी है, वहाँ पे तो हमें आसपास कोई नहीं मिली थी, अब ये खाने जा रहे हैं। ये 3rd फ्लोर पे है जबले उमर पे, असल में वो उस बिल्डिंग में नहीं था, ये रहा रोमांसिया, ये जबले उमर की जो दूसरी बिल्डिंग है ना वहाँ पे है, लेंगे 3rd फ्लोर की। 3rd फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं, रोमांसिया में खाना खा रहे हैं। इंट्रेंस इसकी, ये व्हील चेयर वाले लोगों के लिए भी रास्ता बनाया हुआ है। यहाँ पे इनकी जो लहम मंदी है वो सुना था काफ़ी अच्छी है, ट्राई करते हैं, सीटिंग मिल जाए हमें, माशाल्लाह काफ़ी रश लगा हुआ है। क्या मेन्यू है अब भाई से पूछते हैं, यहाँ पे ये सेल्फ सर्विस है, आपने यहाँ से आपने खुद लेना है, आप कलेक्ट करेंगे, वहाँ से मंदी ली है और यहाँ से कुनाफा। हमारी मंदी ये आ गया सुफरा, पहले सबसे पहले सुफरा भी खा लेते हैं, अब इसको खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह, टेस्ट करते हैं कैसी है भाई। बहुत सुना है इस रोमांसिया मंदी के बारे में, एक रायतन है, एक रदियान है, और एक इसके बारे में काफ़ी सुना है। तो ये आ गया हमारे राइस, थोड़े से ऊपर ये ब्राउन प्याज डालते हैं, और ये क्या है हॉट सॉस, ये है हॉट सॉस, हॉट सॉस के ना बगैर लेता हूँ, मंदी का उसमें से टेस्ट आया नहीं सही से, मीट जो है वो काफ़ी अच्छा गला हुआ है, तो ये दोबारा से ले लिया, अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, रिकमेंडेड है, जब आए यहाँ पे जरूर ट्राई करें अगर आप मीट। मंदी जो है ना वो 3 से 4 बंदे आराम से खा सकते हैं। कभी हरमीन जो है वो कुनाफा ट्राई करेगी, ये कुनाफा है, और इसके साथ ही उन्होंने शीरा दिया इस तरह से, ये इसका शीरा आ गया,
यम्मी शायद है। खा लिया थोड़ा सा जी हरमीना, टेस्ट करके बताएं आप। हरमीन को जो है ना कुनाफा बहुत पसंद है। कैसा है? मजे का। मजे का? रेकमेंडेड है? ओके। यस, रेकमेंडेड है। अमीन ने भी कह दिया भाई अब आप तो खाने हैं, इसको जरूर खाना। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया, मज़ा आया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त था। कुनाफा भी बहुत ज़बरदस्त था। पाकिस्तान में जो कुनाफा खाया हुआ ना उसे तो यार कई दर्जे बेहतर था, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके अंदर जो क्रीम चीज़ थी ना आउट क्लास थी, और जो लहम मंदी थी वो भी ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छा मीट गला हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है यार, बहुत ही डिफरेंट था। अगर आएँ यहाँ पे जरूर ट्राई करें, इसको आपको पसंद आएगा। उम्मीद है कि आपको आज के ब्लॉग जो है पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको इन सब में से कौन सी डिश जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी है। तो मैं मिलूंगा आपको एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।